और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अयोध्या समेत देश भर में जश्न और उल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शिक्षा मंत्री आतिशी भी रामलला का उत्सव मनाते हुए और भंडारा करती हुई नजर आई हैं। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम ने सही जीने का तरीका आने वाले सैकड़ों सदियों तक आने वाले लोगों को सिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो जीने का तरीका है सभी देशवासी अपनी जिंदगी में जरूर उतारेंगे। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री राम ने शायद सही जीने का तरीका आने वाली सैकड़ों सदियों को सिखाया है। तो आज इस प्राण प्रतिष्ठान के दिन हमें उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने दिलों में उनका प्रतिष्ठान करें और उनका जो सिखाया हुआ जीने का तरीका है उसको हम सभी देशवासी, सभी दुनिया में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी में जरूर